फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भव्य हेल्थ केयर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भव्य हेल्थ केयर और मैं हूँ आपकी दोस्त भव्य। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश भर में अभी से मनाई जा रही है और ऐसे में मंदिरों में अभी से तैयारियां होनी शुरू हो गई है। कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे हुआ था और उनको सबसे पहले 12 बजते ही पंजीरी, धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि 56 तरह के भोग होने के बावजूद भी कृष्ण जी को सबसे पहले धनिये की पंजीरी का भोग क्यों लगाया जाता है? तो चलिए देखते हैं कि धनिये की पंजीरी के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है और कैसे धनिये की पंजीरी आपके सारी बीमारियों का एक सोल्यूशन है और इसके कितने बेहतरीन फायदे होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो से। कृष्ण जन्माष्टमी पर धनिये की पंजीरी बनाने की परंपरा है। भारतीय व्यंजनों के अहम मसालों में से एक है धनिया। जन्माष्टमी का मुख्य प्रसाद धनिया पंजीरी ही होती है। इसकी वजह है वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप, कफ, कर, शमन और पित्त का संचय होता है। वात प्रभावित लोगों में वायु और जल जनित लोगों की आशंका बढ़ी हुई रहती है। वात के प्रकोप से नाड़ी तंत्र प्रभावित हो सकता है। शरीर में कहीं भी जल और वायु का दबाव घट बढ़ सकता है। इससे स्वास्थ्य समस्या और कुरूपता दोनों ही बढ़ सकती है। धनिया इससे बचाव में अत्यंत कारगर और विषनाशक है। धनिया बारिश में जल के दूषित होने से शरीर में बड़े विषैले तत्वों का नाश करता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रद्धालु व्रत रखकर भूखे रहते हैं। रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये समय सामान्यतः कुछ भी खाने योग्य नहीं होता। ऐसे में यदि कोई गलत आहार ले लें तो वह स्वास्थ्य पर गंभीर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकता है। धनिया पंजीरी मीठी और सुस्वाद होकर भी काफ और वात के दोष नहीं बढ़ाती है। इसके विपरीत सामान्य आटा पंजीरी या अन्य मीठे पदार्थ से व्रत पूर्ण किया जाए तो वह स्वास्थ्य के लिए अहितकर हो सकता है। वर्षा ऋतु में सामान्य तौर पर भी इसका सेवन किया जाना लाभदायक होता है। धनिया चबाना पाचन के लिए लाभदायक है। गैस और आपत जैसी समस्याओं से यह निजात दिलाता है। यही नहीं, यह आपके पाचन तंत्र को बेहतर भी करता है। पंजीरी दिमागी तरावट, मस्तिष्क संबंधी समस्याओं के लिए फायदेमंद है और यह दिमाग को ठंडा रख उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाती है। धनिया को शुद्ध देसी घी में सेक कर मिश्री के साथ मिलाकर बनाई जाती है। पंजीरी गठिया के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। रोजाना इस पंजीरी का सेवन जल्दी आपके गठिये से भी आपको निजात दिलाने में मदद करेगा। पंजीरी आँखों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए नियमित रूप से पंजीरी का सेवन करना लाभप्रद है। इससे आँखें स्वस्थ रहती हैं। चक्कर आने की समस्या के लिए भी पंजीरी एक रामबाण इलाज है। अगर आपको चक्कर आने की समस्या है तो रोजाना इस पंजीरी को चबा चबा कर खाएं। अब जानते हैं कि क्या क्या सामग्री आपको चाहिए इस पंजीरी को बनाने के लिए। 100 ग्राम धनिया पाउडर, 3 चम्मच देसी घी, आधा कप मक्खन, आधा कप चीनी, 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम और 1 चम्मच चिरौंजी। धनिये की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गरम करें। इसके बाद कढ़ाई में धनिया पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से भून लें। धनिया पाउडर भूनने के बाद इसमें बारीक टुकड़ों में मखानों को काट कर भूनें। इसके बाद उन्हें दरदरा पीस लें। इसके बाद सभी मेवों को इसमें मिला दें और आपकी पंजीरी तैयार है। तो है ना आसान सी रेसिपी और इसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जन्माष्टमी के दिन 56 भोग होने के बावजूद भी क्यों धनिये की पंजीरी का भोग सबसे पहले कृष्ण भगवान को लगाया जाता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण इस वीडियो में हमने आपको बताया है। ऐसी ही और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। आप मेरे चैनल भव्य हेल्थ केयर को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी फिट।